भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने सोसाइटल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भारत के हर राज्य में अपनी मौजूदगी दर्ज की है। गांव पहाड़ के समाज के अंतिम छोर पर खड़े इंसान को खुशहाल करने में डीबीटी आज सफल है। सफलता के इसी सफर में खेतों में फसलें झूमती दिखाई देती हैं, लहलहाती दिखती हैं और खलिहान भरे पूरे नजर आते हैं। यहाँ की बस्तियों में खुशहाली पसरी मिलती है क्योंकि किसानों ने विज्ञान का सहारा लिया है। लिहाजा गांव की जिंदगी यदि जीवंत है तो शहरों और महानगरों में भी माकूल और महफूज है। ये दृश्य सरकार की उन तमाम नीतियों की सफलता के दावों का सत्यापन है जिसके लिए प्रयोगशालाओं में दिन रात एक कर एक से एक तकनीक का इजाद करते वैज्ञानिक हैं। ये वो वैज्ञानिक हैं जो विज्ञान की नई नवेली अवधारणाओं को धरती पर उतारने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक किए रहते हैं ताकि ग्रामीण भारत तरक्की के लिए उत्साह और उल्लास के साथ आगे बढ़ सके। देश में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग की खास अहमियत है जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और खास तौर से समाज के तलछट पर बैठी महिलाओं के उत्थान का रास्ता खुल जाता है। बात महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की निर्मला की करते हैं। निर्मला मुर्गी पालन अपनाकर आर्थिक तौर से न सिर्फ आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि आज वो देश की गांवों की महिलाओं की एक प्रेरणा बन चुकी हैं। ग्राम में प्रिय नामक मुर्गियों की प्रजाति ने निर्मला को इतना सबल बना दिया है कि अब वो बेहद आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी अपने परिवार के साथ बसर कर रही हैं। मेरा नाम निर्मला है, मैं मुर्गी पालन का काम करती हूँ और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है और इसकी मदद से अब मैं अपने बच्चों को भी पढ़ा पाती हूँ। यदि निर्मला ने मुर्गी पालन से आत्मनिर्भरता का नज़ीर पूरे देश के सामने पेश किया है तो दाल का कटोरा कहे जाने वाले मराठवाड़ा में बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेकर किसान अरहर की खेती से लगातार समृद्ध हो रहे हैं। लातूर के विलासराव कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से साई गांव के नानेश्वर पवार ने टिश्यू कल्चर को अपनाया और केले के बागान लगाकर अपनी जिंदगी को खुशहाल बना लिया है। गन्ने की खेती छोड़ के निर्णय लिया कि टिश्यू कल्चर के बनानास के पौधे लगा के कुछ अलग किया जाए। 10 एकड़ में टिश्यू कल्चर के पौधे लगाए और उसमें मेरे को बहुत सी अच्छी आमदनी मिलने की अभी गारंटी लग रही है। और टिश्यू कल्चर का एक फ़ायदा मेरे को और ऐसा लग रहा है कि ये पौधे एक समान और रोग मुक्त कीड़ मुक्त आ गए और इसकी साइज भी कंद के पौधे से ज़्यादा है। महाराष्ट्र के लातूर में प्राकृतिक आपदा से तबाह लोग सोयाबीन की खेती करते हैं। उपज की गुण ग्राहकता को बेहतर बनाने से बाजार में सोया बेचकर ज्यादा मुनाफे की गुंजाइश दिख रही थी, इसलिए वहां सोया उपजाने वाले किसान परिवार के महिलाओं के समूह को डीबीटी ने प्रोसेसिंग यूनिट देकर उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को सहज और मजबूत किया। इसका बेनिफिट ये हुआ कि जो हम लातूर से कुछ पैकिंग दाल हम घर खाने के लिए लाते थे तो हमने बंद कर दिया और हमारे दाल मिल देखे और में लातूर डिस्ट्रिक्ट में और 10 दाल मिल ओपन हुए। आर्थिक आत्मनिर्भरता का अंतिम परिणाम सामाजिक समानता और आत्म अभिमान से होता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मधुमक्खी पालन से न सिर्फ शहद का व्यावसायिक उत्पादन किया जा रहा है बल्कि बायोटेक्नोलॉजी के सटीक इस्तेमाल से मधुमक्खियों के कारण सब्जियों और फलों के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि भी देखने को मिल रही है। खेती और विज्ञान का ऐसा सामंजस्य देश में अपने आप एक
अनूठा उदाहरण है। हम फार्मर को प्रमोट कर रहे हैं कि हम बी बॉक्सेस दे देंगे। बी का रोल है कि एक मधुमक्खी एक दिन में 12,000 फ्लावर को भेज देती है, फ्लावर के ऊपर जाती है और एक बॉक्सेस में 25,000 to 30,000 मधुमक्खी होती है। तो हर एक को अगर उन्होंने पॉलिनेट करा तो हर फ्लावर का कन्वर्शन है सीड्स में हो जाता है, इसीलिए सीड का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के दुर्गम डेल्टा के टापुओं पर डीबीटी की सक्रिय उपस्थिति देखना एक रोमांचक अनुभव से कम नहीं है। बाली और चुनाखाली द्वीपों पर बसे लोगों ने समुद्र के बनते बिगड़ते मिजाज को झेलते हुए जैविक विधि से सब्जी उगाने की तकनीक वैज्ञानिकों से सीख ली है और साथ में बनराजा प्रजाति की मुर्गियों ने उन्हें आर्थिक तौर से मजबूती दी है। मेरा नाम अरुणिमा सरदार है, गांव विजयनगर बाली। बनराजा मुर्गियां मिलने के बाद उसके मांस और अंडे से मेरा दोगुना फायदा हुआ है। इस पैसे से हमने दो घर भी बनाए हैं। चुनौतियों में जकड़ी सुंदरबन की आबादी के बीच मछली पालन की आधुनिक तकनीक से वैज्ञानिकों ने लोगों को जीने का जो रास्ता दिखाया है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। मेरा नाम कल्पना मेधा है। पहले सुंदरबन में हमें खराब बीजों की वजह से फायदा नहीं होता था, लेकिन अब मछली मुर्गी और सब्जी की पैदावार से हमारी आय कई गुना बढ़ गई है। इस सुंदरवन में यहाँ पर कोई ब्रीडिंग हैचरी था ही नहीं, तो सीफा आईसीआर सीफा यहाँ पे फास्ट एक ब्रीडिंग हैचरी दिया, क्योंकि अच्छा क्वालिटी सीड अगर मिले तो मछली बड़ा होगा, वो मछली हर घर में मछली होगा तो न्यूट्रिशन आएगा एंड उन लोग मछली बेच के इनकम कर सकते। मछली के साथ इंटीग्रेटेड फिशरी का प्रोजेक्ट लिया, एक बाली आइलैंड और एक चुनाखाली आइलैंड। यहाँ पर जो है अभी पूरा एससी है एंड कुछ ट्राइबल भी है, इन लोग का रहने का खाने का कुछ भी है नहीं। जंगल में उन लोग चलते हैं, जो टाइगर का अटैक होता है वहाँ से हनी क्रैब लेते हैं। इसमें इन लोग का लाइफस्टाइल काफी चेंज हुआ। उत्पादों की गुणग्राहकता को बेहतर बनाने का एक बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है बैंगलोर में, जहां दर्जनों प्रजातियों के मशरूम उत्पादन के लिए लोक मानस को प्रशिक्षित करने का काम बड़ी सफलता के साथ किया जा रहा है। उत्पादन से लेकर बाजार तक उत्पाद पहुंचाने का काम डीबीटी के सहयोग से ही किया जा रहा है। हम लोग मशरूम जो जंगलों में मिलते हैं उन्हें संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पाया कि इंडिया में 20 तरह के मशरूम हैं जिसे स्थानीय लोग खाते हैं और अलग अलग रूप से उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सभी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। हमने उन्हें संरक्षित किया और उसे जैव तकनीक से विकसित कर स्थानीय लोगों को उसका व्यावसायिक इस्तेमाल करना सिखाया। मैं 3 साल से इधर ट्रेनिंग लेके घर में मशरूम उगाता हूँ, उसमें से मेरे को जितना भी मशरूम आता उधर से मैं आसपास में बेचता हूँ, तो घर में भी मैं बनाता हूँ उसको, उसमें मेरे को थोड़ा प्रॉफिट है, मैं बैठने से अच्छा हूँ, मेरे को थोड़ा इनकम होता है इसमें। राजस्थान के मरुस्थल के गांवों में पशुपालन के क्षेत्र में एक अनूठा प्रयोग देखने को मिला। यहाँ देसी नस्ल की गायों से जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोगों को थारवार नस्ल की सौगात देकर सफलता की एक नई कहानी रच दी गई है। इन गांवों में गाय के उत्तम नस्ल के आने से दूध का उत्पादन बढ़ा, इससे आमदनी बढ़ गई और आमदनी बढ़ने से शिक्षा और सेहत में सुधार दिखा। 8 लीटर टाइम का देती है, फिर 4 किलो हम बेचते हैं, 4 किलो घर में काम लेते हैं, फिर बच्चे को पैसे का बच्चे को पढ़ाते और घर में काम लेते हैं, वो बांटा मंगाते हैं वैसे का, एंड गोबर होता है वो खेत में गिराते हैं। इन तमाम खुशियों के बीच पश्चिम बंगाल का एक बड़ा भाग जानलेवा रोग थैलेसीमिया से जूझ रहा है। थैलेसीमिया के कारणों की जानकारी नहीं होने की वजह से हर साल राज्य में हजारों थैलेसीमिक बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे बच्चे जवानी में कदम रखते ही काल के गाल में चले जाते हैं। जलपाईगुड़ी के टोटापाड़ा और राभा आदिवासी बस्तियों का एक बड़ा हिस्सा इस रोग की चपेट में है, लेकिन
डीबीटी के सहयोग से इन पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैंसर इंस्टीट्यूट ने किया और अब जागरूकता तथा उचित इलाज से तस्वीर का सकारात्मक पक्ष भी उभर कर सामने आ रहा है। एक साल 8 महीने पहले हमें पता चला कि ये थैलीसीमिया से पीड़ित है और तभी से यहाँ इसका इलाज चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के पहले टोटापाड़ा में थैलीसीमिया से करीब 50% लोग पीड़ित थे, लेकिन जब से हमने यहाँ पर यह काम शुरू किया है थैलीसीमिया पीड़ितों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। सुंदरबन में भी थैलीसीमिया से करीब 40% लोग पीड़ित थे, लेकिन अब वहाँ भी इनकी संख्या 20% रह गई है, जो कि डीबीटी की सफलता की एक और कहानी है। थैलेसीमिया के अलावा एक बड़ी समस्या मंदबुद्धि नवजात शिशुओं की भी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिशु परीक्षण योजना के अंतर्गत नवजात शिशुओं के मंदबुद्धि होने या गंभीर बीमारी की चपेट से संबंधित निःशुल्क जांच की जाती है। डीबीटी द्वारा समर्थित इस परियोजना से लोकमानस में जागरूकता का काम भी किया जा रहा है ताकि बिना देर किए प्रभावित बच्चों का इलाज किया जा सके। इसमें जैसे ही बच्चा पैदा होता है माँ पिता को जानकारी दी जाती है कि ये जांच करना अत्यंत आवश्यक है और फिर बच्चे का एडी से 3 बूंद के खून लिया जाता है। जिन बच्चों में रिपोर्ट में कुछ कमी आती है तो ये जो खून पे टेस्ट होती है वो अंदाज देती है, तो जिस बच्चों में कमी आती है उन बच्चों को हम तुरंत संपर्क करते हैं और फिर जिस बच्चे में बीमारी का पता चले निश्चित निदान हो उनको, तब वो पूरी तरह स्वस्थ दिख रहे हो तब भी उनको तुरंत इलाज शुरू हो जाता है ताकि उनको ब्रेन को डैमेज होने से रोका जाए। उधर असम राज्य के कामरूप जिले में रहने वाले राभा आदिवासी भारत के एक छोर पर रहने का अकेलापन पीढ़ियों से महसूस कर रहे थे, लेकिन परिवर्तन की एक कहानी शुरू हुई गुवाहाटी विश्वविद्यालय के सहयोग से। उन आदिवासियों को मछली पालन की आधुनिक तकनीक सिखाकर इलाके में विकास और सरकार के साथ जोड़ दिया गया। कभी जंगलों पर निर्भर रहने वाले राभा लोग आज जैविक खेती तो कर ही रहे हैं, साथ में बतख पालन से अपनी जिंदगी को भी खुशहाल बना रहे हैं। हमारे लिए गांव से बाहर जाकर कमाई करना कमाई का आखिरी उपाय था। हर किसी के लिए गांव को छोड़ना मुमकिन नहीं था। हमने फिर बत्तख, मुर्गी और फिर मछली पालन कर अपनी आजीविका की अब ठोस व्यवस्था की है। हम लोगों ने कामरूप जिले में दिमाली गांव को चिन्हित किया, जहां 60 घर हैं, जिसमें 350 लोग रहते हैं। इनमें से हमने 170 लाभार्थियों को चिन्हित किया। यहां 5 पौंड भी हैं। इस समेकित प्रोजेक्ट के जरिए लोग बत्तख और मछली पालन से अपनी आजीविका चला रहे हैं। धान गेहूं की परंपरागत खेती से अलग हटकर देश के कई इलाकों में जापानी पुदीने की खेती की जाती है। इस फसल के आसवन से मिंथा तेल पैदा किया जाता है। 46 गांव के अंदर ट्राइकोडर्मा पाउडर किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। फिर हम लोगों ने उसका प्रयोग भूमि सुधार, जड़ की शोधन के साथ अपने खेत पर प्रयोग किया, जिससे सकर्ष का भी उत्पादन मुझे 1.5 गुना मिला और पौधा भी मेरा लगभग 30-35 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होने की वजह से साक्ष भी हमें पिछली तुलना में 30-40% ज़्यादा मिला। नकदी फसलों के अलावा मसाले की खेती से भी जिंदगी में बहार की कहानियां लिखी जा रही हैं। देश के केरल राज्य में वायनाड इलाके के आदिवासियों के बीच काली मिर्च की खेती काफी लोकप्रिय है। हम यहाँ वायनाड जिले में मसाले की खेती करते हैं। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भारत सरकार की तकनीक की मदद से मैंने काली मिर्च की खेती कर रहा हूँ और उससे मुझे अब बहुत फायदा हुआ है। और यहाँ तक कि अब मुझे
इस काली मिर्च की खेती करने से अब मेरा आर्थिक विकास भी बहुत हो रहा है, ये अब मैं एक अच्छी जिंदगी भी जी रहा हूँ। इसी तरह पंतनगर में सब्जियों की खेती और व्यवसायिक उत्पादन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से इस इलाके के किसानों को खासा मुनाफा हुआ है। इस मुनाफे से उनमें आत्मविश्वास गहराया है, जिस कारण उन्हें तरक्की करना रास आ रहा है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संकर प्रजातियों जैसे बैगन में पंत बैगन हाइब्रिड 1, खीरे में पंत संकर खीरा 1, लौकी में पंत संकर लौकी 1 तथा अन्य प्रजातियों के बीजों को उत्पादन करके उत्तराखंड के विभिन्न जनपद जैसे ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में कृषकों को दिया गया। इससे जो हमारे किसान भाई थे उनके प्रक्षेत्र पर लगभग 25% अधिक सब्जी उत्पादन इन प्रजातियों के हुए हैं। सब्जियों और बागानी उत्पादों के गुण अनुवृद्धि के रूप में अचार, जैम और जली का उत्पादन भी महिलाएं बखूबी कर रही हैं। देहरादून में इस काम का लाभ लोकमानस को मिला है। हैस्को का प्रसादम एक सराहनीय पहल है, जो देश का एक अनूठा प्रयोग है। हमने प्रसाद पे एक प्रोग्राम शुरू किया और किसानों को, वहाँ के जो समुदाय हैं, महिलाएं हैं, उनको हम लोगों ने प्रशिक्षित किया कि वो उसका उपयोग करके प्रसाद बनाएं और उसको मंदिरों में बेचें। तो अभी ये जो कार्यक्रम है ये हमारे चारा धाम में चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बद्रीनाथ केदारनाथ में महिला समूहों को संगठित करके और वो लोग प्रसाद तैयार करते हैं और जब भी सीजन शुरू होता है तो वहाँ पर उस चीज़ को सेल करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनको एक अच्छा रोजगार उनके लिए हो गया है। बायो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा प्रोत्साहित बायो पेस्टिसाइड्स और बायो फर्टिलाइजर्स के बेहतर इस्तेमाल का गहरा असर माटी की सेहत और आबोहवा में भी देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में वर्मी खाद पैदा करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये जो हमारे प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, जो कि एक सस्टेनेबल प्रोग्राम है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूरी के पूरी सपोर्ट मिला हुआ है। ये हम लोग इसमें एनरिच वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, जो कि किसानों को खेती के लिए, और ये हमारे एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। इस इलाके की महिलाओं ने समूहों का निर्माण किया और मशरूम उत्पादन का जो मॉडल देश के सामने रखा है वो लाजवाब है। मशरूम के उत्पादन और मार्केटिंग का निष्पादन खुद समूह की महिलाएं कर रही हैं। बंग भूमि में विकास और तरक्की की ये अनूठी मिसाल पूरे देश को जैसे प्रेरणा देती है। देश भर में जैविक खेती की मची धूम में DBT का खासा योगदान है। यही वजह है कि कश्मीर से लेकर केरल तक संस्थाएं और सरकारें फलों और सब्जियों के उत्पादन में जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही हैं। एक उदाहरण कश्मीर का है, जहां सेब के बागान में वायरस के आक्रमण से बचाव का प्रयास सराहनीय है। तो जैसा हमने स्प्रे किया था नीम ऑयल को सेब पे, तो आप उसका रिजल्ट देखिए किस तरह से जो है इस पेड़ पे बिल्कुल बोतेला नहीं है जिसमें हमने स्प्रे किया हुआ था। तो इससे ये पता लगता है कि नीम ऑयल जो अपना काम कर रहा है और ये बायोपेस्टिसाइड जो है लोगों में अपनी जो इफेक्ट है वो दिखा रहे हैं। किसान के साथ विज्ञान जैसा प्रगतिशील संकल्प अलीगढ़ जिले के करणपुर गांव में देखने को मिलता है, जहां फसलों को दुलराने वाले किसान हैं। इन किसानों को अपनी माटी की चिंता है। जिस माटी से उनका जीवन है उनका समाज है। पशुओं के गोबर से पैदा किया जाने वाला ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत बायोगैस है, जिनसे किसानों की जिंदगी सहज होती दिखाई दे रही है। इन सब के साथ इंसानी समाज के सामने एक बड़ी समस्या गर्भाधान में आने वाली समस्याओं की है।
जो वास्तव में दैविक अभिशाप ना होकर शरीर की अंदरूनी कमी होती है। इस कमी को उचित इलाज से दूर किया जा सकता है। इसी सच को चंडीगढ़ में योग्य चिकित्सक साबित कर रहे हैं। डीबीटी के सहयोग से चल रहे इस विशेष प्रोजेक्ट से आम जनता को बेहद लाभ मिला है। जिन आंगन में कभी उदासी पसरी थी, वहां आज किलकारियां गूंज रही हैं। हम गायनी डिपार्टमेंट और पब्लिक हेल्थ, स्कूल पब्लिक हेल्थ के साथ हम दोनों मिलके, दोनों डिपार्टमेंट मिलके पीजे में काम कर रहे हैं, और ये देश का पहला ऐसा प्रोग्राम है जहां हम डी मेडिकलाइजेशन अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम दवाइयां बिल्कुल नहीं बताते हैं। शुरू में पेशेंट को गायनी डिपार्टमेंट के लोग देखते हैं, जो दवाइयां उन्होंने बतानी है बता देते हैं। तो 6 किताबें भी हमने डीबीटी के फंडिंग से पब्लिश की हैं। हमारा यह कार्यक्रम लगभग देश के सभी राज्यों में सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। पिछले 28 साल में बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने कई सारे प्रोग्राम चलाए, जिसमें से जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस और टूल्स का यूज करके समाज को अलग अलग गतिविधियों में ट्रेन करके उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करना, और लोकली एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल हो और खेती में सुधार हो, उनके लोकल व्यवसाय का जो है वुमेन है उनका ड्रजरी से मुक्ति मिले, और गांव लोग गांव से शहर की तरफ पलायन करते हैं उसमें रोकथाम हो। समाज की तरक्की के लिए डीबीटी ने उन्नत किस्म की खेती, बेहतर बागवानी, उत्कृष्ट नस्ल के पशुधन के अलावा सेहत से जुड़े गहन शोध और क्रियान्वयन की परियोजनाएं शुरू कर और पूरी कर एक खुशहाल भारत की तस्वीर बनाई है। देश के दूर दराज इलाकों तक अपनी परियोजनाओं से लोकतंत्र को सफल बनाने की यात्रा में डीबीटी ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, जो आगे भी जारी रहेगा।